During this module we will be looking into research ethics and regulations. Research regulations are derived from all the ethical concerns and provide three basic protections to the participants involved in the research. The first one is institutional assurances. Institution could be any place where the research is primarily investigating and taking sample from that place.

डिस्कस करें कि हम आपके पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से अप्रोच करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक डाटा फ्रॉम देम व्हेन इंस्टीट्यूशन साइन द इंस्टीट्यूशनल दे मे आल्सो इलेक्ट टू अप्लाई हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज रेगुलेशन एंड टर्म्स ऑफ एश्योरेंस टू ऑल रिसर्च दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रिमेन सेफ एंड दे विल नॉट गेट एनी हार्म आउट ऑफ दैट अब से हम एक स्पेशल बच्चों के स्कूल के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और वहाँ पर हम उन बच्चों से एक डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं अगर हम उनके पेरेंट्स से उन बच्चों की हेल्थ के बारे में पूछते हैं उनकी हम एस्पायरेशंस के बारे में पूछते हैं उनकी डेली हम रूटीन और उनकी सेल्फ केयर के बारे में पूछते हैं तो वी नीड टू सी कि क्या हम उनसे कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे जो उन उस इंस्टीट्यूशन के स्टेक को या उन इंडिविजुअल्स के जिनसे हम ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके स्टेक को कोई नुकसान पहुँचा दें सो द क्वेश्चन क्वेश्चनियर शुड बी गिवन टू द इंस्टीट्यूशन बिफोर हैंड ताकि वो उसको अपनी अथॉरिटीज़ के थ्रू वेट करें और वो ये देखें कि उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा बायस उसके अंदर किसी भी तरह का कोई थ्रेटिंग क्वेश्चन या उसके अंदर किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस क्रिएट करने वाला क्वेश्चन तो नहीं है या उसके अंदर कोई ऐसे इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स तो नहीं है जो उनके लिए किसी प्रॉब्लम का या सेफ्टी हैजर्ड का बायस बनेंगे देन रिव्यू बाय इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड नाउ वी हैव टू सी कि इंस्टीट्यूशनल कहाँ से आती हैं हाउ एन इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू श्योर कि ये रिसर्च करना हम अलाउ करें हैं और ये रिसर्च करना हम अलाउ नहीं करें फॉर दैट परपज एवरी बिग इंस्टीट्यूशन एवरी बिग यूनिवर्सिटी एवरी बिग हॉस्पिटल हैज एन Institutional रिव्यू बोर्ड विच is कॉल्ड IRP. Review by रिव्यू Institutional द is बोर्ड glue द ग्लू दैट evaluation द together. प्रोसेस टूगैदर अब इंस्टीट्यूशन ये नहीं कर सकता कि किसी एक रिसर्चर को इंडिपेंडेंटली उसकी सारे प्रोटोकॉल्स देखे और उसको अलाउ कर दे और वही चीज़ें किसी और रिसर्चर्स को देखे बगैर वह उसे अलाउ करने से मना कर दे सो वी हैव टू सी दैट देर शुड भी सम रेगोलेशन देर शुड भी सम प्रोसेस जिसकी बेसिस के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हों कि किस रिसर्च को कोई इंस्टीट्यूशन अलाउ करेगा और किस रिसर्च के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी सो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड इज समथिंग विच इज़ बीइंग इस्टेब्लिश इन ऑल गुड इंस्टीट्यूशंस टू कीप दैट प्रोसेस अलाइन आईआरपी रिव्यू इज गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड इन बेलमोट रिपोर्ट जिसकी हमने इनिशियल अपने कोर्स के बिगिनिंग में बात की थी कि बेलमोट रिपोर्ट ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो आज भी एप्लीकेबल हैं एंड टेक्स द फॉलोइंग पॉइंट्स इनटू टू सो रिमेम्बरिंग दैट बेलमोट रिपोर्ट हैज स्पेसिफिक पॉइंट्स व्हिच आर स्टिल बीइंग यूज्ड इन एथिकल प्रैक्टिसेस स्पेशली इन मेडिकल साइंसेस एंड बायोमेडिकल मेडिकल द फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट फॉर पर्सन सो ये पॉइंट आई बोर्ड ने सबसे पहले देखना है कि क्या वो रिसर्च जिसको वो अलाउ करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अश्योरेंस देने जा रहे हैं वुड दैट कैरी दैट एलिमेंट और नॉट यानी उस रिसर्च से कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो रहा हो दे शुड टेक केयर ऑफ द वर्लरेबल पॉपुलेशन एंड ऑटोनमी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर्लनरेबल पॉपुलेशन क्या हो सकती हैं कोई माइनर्स हो सकते हैं कोई पेशेंट पॉपुलेशन हो सकती है ऑटोनमी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मीन्स लाइक इफ द पेशेंट इज एट सम क्रूशल स्टेज जैसे कैंसर के स्टेज थ्री और फोर के पेशेंट्स जो तो हैं उनसे हॉस्पिटल्स में डाटा कलेक्शन की परमिशन जनरली नहीं मिलती बिकॉज देयर आई आर पी बोर्ड सजेस्ट कि इन पेशेंट्स के साथ क्वेश्चंस पूछना बहुत अनएथिकल है बिकॉज ये मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर दे आर नॉट फिट टू गिव रिस्पॉन्स टू एनी वन अबाउट देयर हेल्थ कंडीशन सो यू नो वर्ल्ड लेवल पॉपुलेशन के साथ डील करने में भी आई आर पी बोर्ड बहुत सेलेक्टिव परमिशन जो है वो देता है देन बेनिफिसेंस रिसर्च डिसाइन शुड बी एडिक्यूएट विद मिनिमाइजिंग हार्म फॉर इंस्टेंस आप अगर कोई लेट्स uh, ए के किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और वो आप किसी ड्रग को ले कर कर रहे हैं किसी पेशेंट पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स या हार्म हैं वो पहले से इस्टेबलिश्ड हो चुके हों ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन ताकि हमें ये पता हो कि हम इसमें कोई ऐसा मेजर हार्म या रिस्क जो है वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे देन जस्टिस पार्टिसिपेंट शुड बेनिफिट फ्रॉम रिसर्च एंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शुड बी फेयर सो यू नो दैट आई आर बी ऑल्सो लुक्स ऑन तो देट वेरी मैटर कि आप किस बेसिस पे पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं और किस बेसिस पे आप पार्टिसिपेंट्स को अपने उस रिसर्च के प्रोटोकॉल से एक्सक्लूड कर रहे हैं सो यू नो that all these basic principles of belmont report that is respect that is beneficence and that is justice is still practiced and even is being reviewed by institutional review board before giving permission to any researcher to carry out their research in their institutions